क्या कितने 92 मोहम्मद का आदत है, और 9 और 2 को पलट दो कितने 29, इधर 9 उधर 2 कर दो तो ये 29, और गौसे आजम पैदा हुए 32 शाबान। और ये वहां भी पूछते हैं 11वीं कब से, 9 और 2 को जमा करो तो 11, तो अल्लाह रब तबारक व तआला ने जो एहतिमाम किया तुम्हारे पीर के लिए। अली पाशा ने जो कहा कि मेरे आका ने रो रो के अपनी उम्मत के लिए दुआ की थी, और ये भी हकीकत है मेरे दोस्तों, हर वली के कदमों पे हमारा सर झुका हुआ है, जितने वली हैं सबकी अजमतों के सामने हमारा सर झुका हुआ है। लेकिन खुदा की कसम तारीख विलायत पढ़ते हैं तो किसी वली ने अपने मुरीदों को इतनी श्योरिटी नहीं दी जितनी गौसे आदम ने दी है, किसी वली ने अपने मुरीदों को गारंटी नहीं दी जितने मेरे गौस ने दिए, और कदम कदम पर मेरे गौस ने मुरीद कहकर खिताब फरमाया, फरमाया कि मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफतल नीतुल माली, मेरे मुरीद डर मत, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह ने मेरे बहुत बुलंदी अता फरमाई है। फरमाया के मुरीदी ला तकब वाशिन फहिन्नी अजमुल खातिरुन इंदल खिताली, ऐ मेरे मुरीद डर मत, अल्लाह मेरा रब है, जो तुझे छेड़ेगा उसे अब्दुल खादर देख लेगा। इसी को मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने का फरमाया, अलमा अलमा गैस है वो तीखा तेरा, अलमा गौस वो गैस है वो तीख, गैस है वो तीखा तेरा, और चैन से भी मरता नहीं मारा तेरा। पिराने पीर अगर तुम्हारी निगाह हट जाए तो तुम्हारा मारा हुआ चैन से भी खबर में नहीं रह सकता। तुम काबिल है मुबारकबाद है। और ये जितने लोग शरीक हैं गौसे आजम के लंगर में नियाज में अकीदत और मोहब्बत के साथ, खुदा की कसम तुम्हारा एक एक पाई का अजर महशर में मिलेगा। ये तो फिक्स डिपॉजिट है, बैंक बोल रहा 15% दे रहा हूँ, 16% दे रहा हूँ, अल्लाह बोल रहा मैं 70% दे रहा हूँ, ये 70% का मामला है। आज जो लोग गौसे आजम के लंगर में शरीक हैं खुदा की कसम का लाख बनोगी, महशर में कोई सहारा नहीं होगा, उस वक्त ये कैश कराना है। तुम क्या समझते हो कि पिराने पीर तुम्हारा उधार रखेंगे? पिराने पीर हम गुलामों का उधार रखेंगे? अरे तुमने यहां खर्च किया है, गौस तुमको यहां भी देंगे महशर में भी देंगे। काबिले मुबारकबाद हैं आप, पिराने पीर गौसे आजम राजो नियाज की अब्दुल कादिर हैं, राजो नियाज की मंजिल में है, अल्लाह के खुर्ब में है। पैगंबरों को मकाम आता है ली माल्ला है वक्तुन, वक्त एक खास होता है पैगंबर का जब अल्लाह होता है नबी होते, और विलायत के मकाम में गौसे आजम बार बार खुर्ब की मंजिल में हैं। मौलाए कायनात ने 6 मरतबा लुआबे दहन डाला, आपने तफसीर सुनी। गौसे आजम से मेरे आका ने फरमाया अब्दुल खादिर वास क्यों नहीं करते? आपने समाज फरमाया एक मकाम कुर्ब आया, रसूल ने पूछा अब्दुल खादिर वास क्यों नहीं करते, अल्लाह ने पूछा गौसुल आजम लोग तुझे मुरीद होना चाहते हैं, मुरीद क्यों नहीं करता? और ये गौसे आजम किसी मुल्ला के किसी पीर का दिया हुआ लकब नहीं है। हजरत ख्वाजा बंद नवाज गैसु दराज रौज़तुल आशिकीन में लिखते हैं कि अल्लाह जब गौसे पाक को खिताब फरमाता था तो या गौसल आजम कह के पुकारता था। किसी छक्के पंजे की रिवायत नहीं है, खुद पे दखन की रिवायत। ख्वाजा बंद नवाज कहते हैं कि अल्लाह जब भी पिराने को पुकारता तो या गौसल आजम कह के पुकारता। पिराने पीर से अल्लाह ने जब खुर्ब की मंजिल में राज और नियाज की थी,
तो अल्लाह ने पूछा, अब्दुल कादिर या गौसल आजम, लोग तेरे हाथ में बिकना चाहते हैं, तेरी गुलामी में आना चाहते हैं, या गौसल आजम मुरीद क्यों नहीं करता, मुरीद क्यों नहीं करता। गौसल आजम ने फरमाया, अल्लाह मैं मुरीद नहीं करूंगा, मैं मुरीद नहीं करूंगा। फिर खुर्द की मंजिल में गए तो कहा, अब्दुल कादिर मुरीद क्यों नहीं करता, मौला नहीं करूंगा। जब एक वक्त आया, रब्बुल आलमीन ने कहा, या गौसल आजम, लोग तेरे मुरीद होना चाहते हैं, मुरीद कर। पहले पूछा मुरीद क्यों नहीं करते, अब कहा मुरीद कर। तो जब कर की बात आई तो गौसे आजम ने फरमाया, मेरे रब, जब तू फरमा रहा है मुरीद करने के लिए तो तू भी वादा कर। अब्दुल कादिर मुरीद करने के लिए तैयार है, तू वादा कर। बोले अब्दुल कादिर, गौसुल आजम, मांगो जो मांगना हो अता करूंगा। फरमाया कि मुझसे वादा कर कि मेरा मुरीद दुनिया में कहीं पर भी रहे, जिस हालत में भी रहे, मरेगा तो कलमा पढ़ के मरेगा। मेरे अल्लाह, मेरा मुरीद बगैर कलमा पढ़े नहीं मरेगा, मेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा। फरमाया मेरे गौस ने कि वलकत खस्तु मिनल्लाहि सबीना मौसिकन हत्ता ला यमूता मुरीदी इल्ला तौबता वल ईमान। मैंने अल्लाह से 70 मर्तबा वादा लिया है, मेरा मुरीद चाहे जिंदगी में कुछ भी करे, मरेगा तो कलमा पढ़ के मरेगा। तो ये श्योरिटी, ये गारंटी दुनिया के किसी वली ने नहीं दी। गुलामों ने गौस ने पूछा, या गौस, आपके मुरीदों में, गुलामों में जाहिल भी होंगे, गुनाहगार और मासीए शाद भी होंगे, ये कैसे कलमा पढ़ेंगे जिनको कलमा पढ़ना नहीं आता। पिराने पीर ने फरमाया कि ये इनको कलमा पढ़ना नहीं आता, इनके मरते वक्त अब्दुल कादिर मौजूद रहेगा। अब्दुल कादिर इनको कलमा पढ़ाएगा। तो ये सबसे बड़ा इनाम इश्क़े गौसे आजम का, और क्या चाहिए कि दुनिया के बड़े बड़े इबादत गुजार लटकते रह जाएंगे और गौस का गुलाम कलमा पढ़ के दुनिया से चला जाए। इसलिए जश्न गौसे आजम मनाते हैं कि पीर से हम करीब करें। मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह रब तबारक व तआला जितने मेरे मुरीदीन मुतालिकीन मुहिबीन जो जो यहां पर आए हैं, मौला हरेक की हाजिरी को कबूल फरमा, और जो जो दिल में आरजू लेकर आए हैं, मौला इनकी हर आरजू नेक को पूरी फरमा दे। आने वाला साल इनके घर में जश्न रहे, इनकी औलाद के पास जश्न रहे, इनकी नस्ल में जश्न रहे, ये खुश व खुराम रहे, ये आबाद रहे, ये शाद रहे। ये तो खैर में दे गौसे आदम के गुलामों के लिए दुआ है, दुआ करता हूं और दुआ करता रहूंगा। लेकिन गुलामा ने गौसे आदम को, आज मैं आपको एक और खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। आज से 30 साल पहले मैं एक अखबार निकालता था, खतीबे दकन, और वो अखबार पूरे हिंदुस्तान में जाता था। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मैं चला नहीं सका, पूरे हिंदुस्तान में सर्कुलेशन कर दिया, मगर सर्कुलेशन के बाद मैं उस अखबार को चला नहीं सका। एक तरफ वास या वास के दौरे करना, फिर दूसरा अखबार छपा के उसकी निगरानी करना, तो ना मैं वास के दौरे कर सक रहा था, ना अखबार छाप रख रहा था। तो लिहाजा मैंने आज से 30 साल पहले इस अखबार को मैंने बंद कर दिया, जिसका नाम मेरे टाइटल पे था, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी सैयद शाह अब्दुल रज्जाक कादरी जाफर रहमतुल्लाह अलैह ने। जब मैं बरेली से पढ़ के आया तो सबसे पहले मेरे पीर ने मुझे खतीबे दकन का टाइटल दिया। जैसे अली पाशा ने कहा पीर नवाज रहे हैं, तो मेरे पीर ने भी मुझे नवाजा। तो जो खतीबे दकन का टाइटल मेरे पीर ने लिख दिया, तो सारी दुनिया आज मुझे खतीबे दकन के नाम से पहचानती। तो मैंने उसी अपने टाइटल पे अखबार निकाला था, खतीबे दकन, जो 4 साल चला बन हो गया। मेरे छोटे शहजादे शब्बर पाशा 1.5 साल से मेहनत कर रहे थे,
और आरजू ये थी कि पिराने पीर के जश्न में जो सबको कामयाबी मिलती है तो औलाद क्यों महरूम रहे। जब गुलामों की जिंदगियां बनती है, गुलामों की आरजुएं पूरी होती हैं, तो हम तो घर वाले हैं। क्या गौसे आजम ने गुलामों को नवाज दिया तो घर वालों को छोड़ दिया? अरे गुलामी पे लोग दंदनाते फिर रहे हैं, हम तो घर वाले हैं भाई। औलाद को क्या नहीं दिया होगा, और जो दिया वो देख रहे हैं। ये हिंदुस्तान के कोने कोने से जो आए हैं ये गौसे आजम की अता ही तो है। ये गोवा से आए हैं, मद्रास से आए हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से ये काफिला आया है। ये तुम नहीं आए हैं, मेरे गौस की अता है ये मेरे। जब मैंने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के डंके बजाए तो परवरदिगार ने पूरी दुनिया में मेरे नाम के डंके बजा दिया। अरे जिस मुल्कों में मैं नहीं गया वहां भी मेरी कैसेटें बिकती हैं। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में तो गया नहीं, मगर गली गली मेरे कैसेटें। एक अमेरिका से आपके कादरी चमन का पीर भाई रिजवान मेमन है, अमेरिका में रहता है, न्यूयॉर्क में आके मुझे बोला, साहेब एक इस्लामिक सेंटर में लाइन लगा के लोग आपकी कैसेट खरीद रहे थे। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि कादम पाशा सरकार के कैसेटा यहां बिक रही, तो मैं भी लाइन में खड़ा हो गया। लोग आपकी कैसेट खरीद रहे, आगे बढ़ के डस्टबिन में खोल के डाल ले रहे, फाड़ के तोड़ के डस्टबिन में डाल दे रहे। इतने कैसेटा लाया हूं, देखिए जो वहाबी कैसेटे खरीद के तोड़ते हैं उनको डर है कि ये तकरीर अगर सुन ले तो इनका बाजा बज जाएगा। जिन मुल्कों का मैंने दौरा नहीं किया है वहां पर भी मेरी कैसेटों की दहशत है, और हिंदुस्तान में जब जाता हूं तो मेरी खिताबत की दहशत है। लोग कहते हैं कि 100 सुनार की 50 जलसे मत कराओ, हजरत को बुला लो, किस्सा खत्म है। तो ये भी अल्लाह की अता है। मैं आप हजरात का तहे दिल से मशकूर हूं, और आज के इस फंक्शन में एक काफिला है मेरे साथ। अगर मैं इनका नाम लूं, उनका नाम लूं, उनका नाम लूं, अरे सलीम सेठ का नाम लूं, फुला सेठ का नाम लूं, तो गोवा वाले बोलेंगे सरकार हम तो आपके 30 साल के गुलाम हैं। मद्रास वाले बोलेंगे सरकार हम है तो मैं कहां कहां शहरों का, मैं तमाम गौसे आजम के गुलामों वागस्तगान मुरीदीन के लिए दुआ गो हूं। लेकिन कुछ लोग मेरे 30-35 साल से मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ कदम ब कदम है, जो मेरी दीन की जरूरत नहीं ये मेरी जरूरत में काम आए हैं। दीन का काम तो करे हैं मगर साथ में कादम पाशा की खिदमत को दीन समझे हैं। तो खानकाह कादरिया मूसविया का हमेशा एक वतीरा रहा है कि इनामात से नवाजे। बड़े पीर ने मुझे नवाजा है जो गौसे आजम के गुलामों से सच्ची अकीदत और मोहब्बत किए हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि उनको भी नवाजूं। तो आज जो ऐलान मैं कर रहा हूं कि वो जो खतीब दकन ने 1 साल से रात दिन कोशिश हो रही थी, लेकिन आज ही के दिन दिल्ली से आर्डर आया, खतीब दक्कन को आप जारी कर सकते हैं। इन टाइटल खतीब दक्कन, टाइटल के साथ खतीब दक्कन का परमिशन मिला, इंशाल्लाह ये खतीब दक्कन ऐसे नहीं निकालूंगा। पूरे ऑल इंडिया पैमाने पे कॉन्फ्रेंस करके उस कॉन्फ्रेंस में अखबार का इजरा होगा। आपका अखबार चाहिए, आपकी आवाज चाहिए। हाथ बातिलों के हाथ में प्रेस है, बदअकीदा जमातों के हाथ में प्रेस है, वो जो चाहे बोल लेते जा रहे हैं। खुदा की कसम जिस दिन खतीब दकन निकलेगा इनके गिरेबान पे हाथ डालेगा। ये अहले सुन्नत वल जमात का तर्जुमान होगा, ये खानखा ये निजाम का तर्जुमान होगा, ये औलिया अल्लाह के सच्चे गुलामों का तर्जुमान होगा, ये नबी के वफादारों का तर्जुमान होगा। इंशाल्लाह आप हजरात, मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरे चाहने वाले इसकी इशात में दिल जान से मेहनत करेंगे
یہ تو ہوگا انشاءاللہ, وقت کا انتظار کیجئے, یہ خطیب دکن کا ہجرا عمل میں آئے گا. لیکن میں نے کہا کہ کچھ میری سیلف سروس کے لوگ بھی ہیں, دین کی خدمت بھی ہے, میری اپنی خدمت بھی ہے. جیسے آج کے کام میں بارش میں میرے حوصلے پست ہو گئے تھے, لیکن وہ اقبال ملتانی, ان کے بھائی امجد قادری ملتانی اور ہمارے رحمان صاحب جو ہندوستان کے سب سے بڑے کک ہیں, ان کی ہمت کو دیکھ کے میں نے کہا کہ یہ غلامان غوث اعظم ڈٹے ہوئے ہیں. اے اللہ تو ہمارا امتحان لے رہا ہے, تیرے غوث کے غلام تیرے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے. تو بارش میں پکا کے نکل گئے. میں اقبال قادری ملتانی امجد اور ان کے آل اولاد رحمان صاحب ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی عمر اقبال میں برکت عطا فرمائے اور ان کو ہمیشہ صحت و عافیت سے رکھے. میرے ہر مرید کے لیے میں دعا گو جو ہوں جو پریشان حال ہے, اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے عرض کروں کہ میں نے کہا کہ کچھ میرے اپنے ایسے ہیں جو رات دن میرے ساتھ میرے لیے لگے رہے, آج میں ان کو خلافت دینا چاہتا ہوں. خانقاہ قادریہ موسویہ کی طرف سے ان کو عطا کرنا چاہتا ہوں. میں دل کی گہرائی سے ہمارے مجیب قادری کو خلافت دے رہا ہوں. اور یہ بہت چھوٹے رہنے سے میرے ساتھ ہے. آج تو ماشاءاللہ بچے والے ہو گئے ہیں, جب اتنے تھے اس شخص سے دین کی خدمت میں لگے ہوئے تھے اور انہوں نے چار دانگے عالم میں پورے مہاراشٹرا میں سنیت کے ڈنکے بجا دیے. تو آج یہ خدمت سنیت کے سلے میں جو دین پاک متین کی اور میرے آقا کے غلاموں کی یہ خدمت کرے ہیں, میں خانقاہ قادریہ کی طرف سے ان کو خلافت سے نواز رہا ہوں. اور میرے مرید عزیز مفتی وقت مفتی پرونی مولانا حافظ سید نثار قادری جو نظامیہ کے کامل ہیں اور نظامیہ کے جید علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے, یہ مرید تو بہت ہوتے ہیں بھرتی کے مگر یہ واقعی عاشق مرید ہے. یہ اور ان کا خاندان مجھ پر فدا ہے اور ایک بہت بڑا دارالعلوم چلاتے ہیں پرونی میں, جہاں ابھی علی پاشا سرکار گئے تھے 10 بچیاں عالم دین بنی ہیں. تو ایسا ادارہ یہ پرونی میں خواتین کا چلاتے ہیں بچیوں کا, ان کی دینی خدمات اور ان کے علم اور ان کی سیادت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں حافظ مفتی و قاری سید نثار احمد قادری صاحب کو بھی خلافت سے نوازوں گا. آپ حضرات بیٹھ کے دیکھیں.